नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हाल ही में एम्स ने 3,055 पदों के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत 3,055 पदों पर नर्सिंग ऑफिसरों को भर्ती किया जाना है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं दोस्तों। तो चलिए डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ये भर्तियाँ हैं। अंतर्गत क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc या फिर रजिस्ट्रेशन एजुकेशन में BSc नर्सिंग या GNM होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, और किसी भी रजिस्टर्ड स्टेट रजिस्ट्रेशन से या इंडियन रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए दोस्तों। 50 बेड के हॉस्पिटल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। दोस्तों, इसमें एज लिमिट है जो 1830 के मध्य रखी गई है। और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों इसमें जनरल और OBC के लिए 3,000 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है, जबकि ST SC के लिए 2,400 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। दोस्तों, ST SC के लिए जो फ़ीस निर्धारित की गई है वो आपको एग्जाम के बाद में रिफंडेबल बताया गया है दोस्तों। और इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों वो 3 जून 2023 को होगा। चलिए दोस्तों, आगे अगले पेज पर। ये फॉर्म दोस्तों 12 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 शाम को 5 बजे तक भरे जाएंगे। इसके अंदर करेक्शन की भी जो डेट है दोस्तों वो 6 मई 2023 से 8 मई 2023 के मध्य ही करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसके बाद करेक्शन विंडो भी क्लोज कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों एज रिलेक्शन से। एज रिलेक्शन के अंतर्गत ST SC के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए। OBC का जो सर्टिफिकेट चाहिएगा दोस्तों हमें सिर्फ OBC के लिए है, ये 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2024 के मध्य का ही हमें OBC का नॉन क्रिमिनल ईयर का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिएगा, वही वैलिड होगा अन्यथा वैलिड नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों।